Hello students, this is first lecture on chapter number 15, Structure of Atoms and Nuclei. In today's lecture, let us discuss about the various models put by the scientists to explain the structure and features of atom. आपके जो सिलेबस में है, according to that, the first model to be discussed is Dalton's model of atom. आपको जो भी मॉडल्स है उनके खाली फीचर्स का लिस्टिंग करना है. व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स एंड व्हाट आर द आउटकमिंग्स, इनका लिस्टिंग करना है, एक्सप्लेन नहीं करना. ठीक है, तो वाइल रीडिंग मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके देता हूँ. पहला मॉडल था डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम. इसके कुछ फीचर्स है, सात फीचर्स है. पहला फीचर, all matter is composed of extremely small particles. Those constituent of matter are called as what? Atoms. Dusra, all atoms of given element, agar ek hi element hai, so for the given element jo bhi atoms hoge, they are identical in size, their mass is same and their features or properties are also same. This is according to scientist Dalton. तीसरा फीचर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स लेते हो तो दे डिफर इन साइज, दे डिफर इन मास एंड देयर प्रॉपर्टीज मे बी डिफरेंट. फोर्थ प्रॉपर्टी, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड. इसलिए आइटम को बोला गया था स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर या एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डाल्टन. पांचवा फीचर है, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियोस टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डाल्टन, केमिकल कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे, 3s to 2, 1s to 4, 1s to 5, 2s to 3, ऐसे सिंपल रेशो में अगर वो कंबाइन होंगे तो व्हाट दे फॉर्म इज कॉल्ड एज द केमिकल कंपाउंड. सिक्स्थ फीचर, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सेपरेशन और कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, केमिकल रिएक्शन का मतलब है सेपरेशन प्रोड्यूस होना, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होना या आइटम का रीअरेंजमेंट होना. इट डज नॉट रिजल्ट इन देयर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन. मतलब रिएक्शन में कोई नया क्रिएट नहीं होता है, नया डिस्ट्रक्ट भी नहीं होता है. जो भी होता है या तो सेपरेशन होता है या तो कॉम्बिनेशन होता है या तो रीअरेंजमेंट होता है. नेक्स्ट फीचर, द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट कंपाउंड्स आर दोज फॉर्म of just two different atoms. अगर दो different element के atoms combine होते हैं तो जो compound form होता है वो सबसे ज्यादा stable होता है या abundant होता है. ये थे main features of Dalton's theory regarding structure of atoms. इनके severe drawbacks क्या थे, देखो आपको खाली listing करना है, arguments नहीं करना. पहला, the theory could not explain why atoms of different element have different mass, valencies and size. So ye jo theory tha, this theory was unable to explain why atoms of different elements have their different mass, different valencies and different size. Ye theory explain nahi kar paye. Dusra, theory could not explain the cause of chemical combination. Why the two atoms of different element get combined, that is chemical combination kyun hota hai, was not explained by this theory. This theory could not explain the law of combining the volume. Matlab do alag alag elements ke volume kaise combine hote hai, that was not explained by this theory. The theory could not give idea about the isotopes and isobars. जो हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं isotopes, isotopes मतलब atomic number से mass number different,
मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, जो भी है, वी आर अबाउट टू डिस्कस दिस इन दिस सेम चैप्टर. तो जो हम लोग आज पढ़ते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जहाँ एटॉमिक नंबर सेम होगा मास नंबर डिफरेंट होगा, या मास नंबर सेम होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, या और एक रहता आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं. रिगार्डिंग दैट नो एक्सप्लेनेशन वॉज प्रोवाइडेड बाई डॉल्टन्स थ्योरी. द थ्योरी कुड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, निगेटिव चार्ज कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. रफ आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज नॉट एक्सप्लेन बाई द डॉल्टन्स थ्योरी. तो ये सब सीवियर ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन थे. देन द नेक्स्ट मॉडल वॉज पुट बाई द साइंटिस्ट थॉमसन. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ, दिस मॉडल वॉज प्रपोज बाय जे जे थॉमसन इन 1898. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन आइटम इज स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज. मतलब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आइटम क्या है, एक स्फेरिकल वॉल्यूम है. स्फेरिकल वॉल्यूम का जो भी कंटेंट है दैट इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. And into that positive charge, electrons, the negative charges are embedded. Number of electrons embedded are such that negative charge embedded and positive content of the spherical volume cancel each other and atoms remain electrically neutral. The arrangement of electrons inside the continuous positive charge is similar to that of the seeds in the water well. तो वाटर मेले में जैसे सीड्स अरेंज रहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो अरेंज इन दैट. और आप उसको बोल सकते हैं और प्लम्स इन द पुडिंग. पुडिंग मतलब स्फेरिकल वॉल्यूम में ये जूसी पार्ट. दैट इज व्हाई थॉमसन मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम. द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट देयर म्यूचुअल रिपल्शंस आर बैलेंस्ड बाय द वापस पढ़ता हूँ. The electrons are arranged in such a manner that their mutual repulsion, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या लाइक चार्ज में जो रिपल्शन है, it was counteracted या balanced by the attraction between positively charged matter and electron. Thus, atom as a whole is neutral structure. You get structure of atom regarding to the Thomson. इस मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे? पहला लिमिटेशन था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेर अरेंज इन एन एटम सो क्लोज टू ईच अदर. साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वाई प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. जब ये थ्योरी डेवलप हुआ तब बाय द साइंटिस्ट गाइगर एंड मार्टसन the experiment was performed taking the help of scientist Rutherford. तो उस experiment के जो कुछ conclusions थे, with those conclusions this theory was not in good agreement. जैसे उस experiment में कुछ alpha particles large angle से scattered होते या deviate होते, ऐसे क्यों होता है, और that no explanation was provided by Thomson model of atom. ये दूसरा ड्रॉबैक है. आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करना, ध्यान रहे. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. देखो आज के डेट में हाइड्रोजन एक एटॉमिक स्टेट है. द एटॉमिक स्टेट जो रेडिएशन इमिट करता है, इफ दैट रेडिएशन इज पास थ्रू द प्रिज्म एंड ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन और थ्रू माइक्रोस्कोप, तो इट कंसिस्ट ब्राइट लाइन्स ऑफ फ्यू कलर्स ऑन अ डार्क बैकग्राउंड. हाइड्रोजन ये गैसियस स्टेट है, एटॉमिक स्टेट है. जब वो रेडिएट करेगा, मतलब हीट किया आपने, तो आफ्टर हीटिंग इट विल रेडिएट द एनर्जी. इफ दैट एनर्जी इज पास थ्रू द प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन और ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, सो इट कंसिस्ट डार्क बैकग्राउंड and on that background few color bright lines are observed, so that is called as line emission spectrum. So that spectrum was not explained by the Thomson model of atom.
Next, it could not explain the observations predicted from alpha particle experiment. Same time में Geiger और Marson ने जो experiment perform किया था, taking the help of scientist Rutherford, कुछ conclusions draw किए थे regarding the structure of atom. With those conclusions, Thomson model was not in good agreement. तो model ने जो भी prediction किए थे, उनको explanation ये model provide नहीं कर पाया. तो आपको ये खाली listing करना है limitations का और features का. अब ये जो Geiger and Marson experiment है, normally इसका diagram दो mark के लिए आता है explanation के लिए या draw करने के लिए. जो diagram आपने 9th या 8th standard में भी पढ़ा हो. ये डायग्राम है, देखो डायग्राम में ये जो है ये लेड है, लेड कैविटी है. लेड कैविटी के अंदर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन इमिट करेगा. अल्फा पार्टिकल का ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड एज अल्फा रे. It is allowed to pass through polymatter. Polymatter मतलब इसपे जो alpha particles incident होंगे, they are incident in diverging manner. तो चारों तरफ से आएंगे चारों. तो polymatter का मतलब है collect them and made parallel. अपने stream में लेगा. That stream is allowed to incident on the gold foil. यह एक thin gold foil है, उसके ऊपर allow किया incident के लिए. And the alpha particles are then scattered. यहाँ एक photographic plate रखा था, fluorescent photographic plate रखा था. और इस फोटोग्राफिक प्लेट को एक माइक्रोस्कोप अटैच था. सो दिस माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व द अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट एंड कंक्लूजंस वेर ड्रॉन. क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसमें से पास हुए, सो आफ्टर पासिंग सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएटेड, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल, सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक. तो स्कैटरिंग मिला आपको अल्फा पार्टिकल का. And they affect the photographic plate. ये photographic plate. तो यहाँ microscope था, ये attached था and you can slide it. It follows the curvature. So this microscope not only check the affection of this photographic plate, it helps to draw the conclusions. तो ये diagram आपको दो mark के लिए अच्छे से prepare करना है. जो मैंने explain किया वो वापस करता हूँ. Rutherford along with the Geiger and Marson perform series of experiment on the scattering of alpha particles. The experimental setup is as shown in figure, jo maine abhi explain kiya. An alpha particle is a helium atom. Abhi helium atom kya rahega? Helium atom mein nucleus mein do electron aur do proton. हेलियम एटम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं एंड टू इलेक्ट्रॉन्स यूज टू रिवॉल्व अराउंड दैट न्यूक्लियस. अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, निकाल दिया, तो जो बचेगा वो सोडियम हेलियम न्यूक्लियस बचेगा. हेलियम न्यूक्लियस क्या रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा. तो दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हेलियम न्यूक्लियस है उसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है. ठीक है. See, in this experiment, a narrow beam of alpha particle from the radioactive source. Source कहाँ पे? इस cavity में रखा है. Lead cavity है. Lead cavity use करते हैं क्योंकि lead ये last element of periodic table है, जो stable है. इसके बाद radioactivity start होता है. इस cavity में source of alpha particle रखा है. कैविटी वॉज इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फाइल. उसको अल्फा पार्टिकल्स को कॉलिमेट किया, यानी पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एंड अलाइनमेंट इज गिवन टू देम. तो ये स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मिला. इट इज इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल एंड गोल्ड फॉइल स्कैटर्ड द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल विद द डिफरेंट एंगल्स. दो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द ये जो सेमी सर्क्यूलर स्क्रीन है इट्स पे दे आर अलाउड टू इंसिडेंट. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब दे मेक द फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक. एंड वेयर इट इज मेड ब्लैक एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज मेड ब्लैक, दैट टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप इज यूज. ये माइक्रोस्कोप अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस स्लाइड होगा
एंड इट गिव्स यू द कंक्लूजंस. ये था कंस्ट्रक्शन, मैं भी वापस नहीं पढ़ रहा. तो इस एक्सपेरिमेंट से कौन से कंक्लूजंस ड्रॉ किए, तो ये कंक्लूजंस आपको लिखना है. पर कंक्लूजन टू राइट आधा मार्क मिलेगा. कंक्लूजंस देखो क्या, या ऑब्जर्वेशंस क्या. मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट द डेविएशन. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट द डेविएशन. दिस स्टेटमेंट कंक्लूड्स दैट देयर मस्ट बी अ बिग गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इनसाइड द एटम. ये कंक्लूजन इस ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ किया गया. दूसरा, only about 0.14% of alpha particles scattered through angle greater than 0.1 degree. Even most of these were slightly deflected. अगर कुछ slightly deflect हुए through this angle scattered हुए, इसका मतलब है those electron, those alpha particles get deflected because they collide with the revolving electrons. तो angle of deflection या scattering angle कम था. About one alpha particle in 8,000, मतलब 8,000 alpha particle incident में, out of that one alpha particle was deflected through an angle greater than 90 degree. So it must be scattered or deflected from the edge of nucleus. Some alpha particle bounce back with an angle 180 degree. This statement clearly concludes that these alpha particle must strike at the middle of nucleus and come back. तो देखो वापस, पहला, most of the alpha particle pass without the deviation. Concludes that there must be a big gap between electron revolution and nucleus. तो pass हो गया. Some alpha particles are what deflected through an angle 0.1 degree. Means they must be what scattered or deflected from the edges of revolving electrons. Ye, one alpha particle out of 8,000, they must be scattered from the edges of nucleus. Or ye, these particles bounce back from the middle of nucleus. So this is how you, making the use of these observations, conclusions were drawn by the scientist Rutherford. So jo maine padha, ye sab contradiction mein aa jayega. Ye karne ki zarurat nahi hai, maine आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. खाली ये जो लास्ट के तीन कंक्लूजन है ये करना, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बोला, कॉन्ट्राडिक्शन की जरूरत नहीं, बट यू रीड इट फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, साइंटिस्ट ने रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए. दोज कंक्लूजन आर नथिंग बट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ये कंक्लूजन आपको अच्छे से करना है, यहां से ही पढ़ता हूं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड बाय गाइगर एंड मार्टसन, रदरफोर्ड प्रपोज हिज एटॉमिक मॉडल. ही कंक्लूडेड दैट, पहला, एटम कंसिस्ट अ सेंट्रल कोर विच कैरीज ऑलमोस्ट द होल मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियस. Negative charges, nowadays called electrons, revolve around the nucleus in circular orbit. Tisa, number of electrons revolving are such that total negative charge jo revolve ho raha hai is equal to the total positive charge of the nucleus, so that atom as a whole is considered neutral structure. Fourth, since electrons are performing uniform circular motion, so to maintain the uniform circular motion, necessary centripetal force must be provided by negatively charged electron on positively charged nucleus. Again, scientists ne that time atomic radius or nuclear radius measure kiya. Atomic nucleus ka size tha about 10 raised to minus 10 meter and nuclear radius ka size tha अबाउट, मतलब न्यूक्लियर रेडियस था 10^-15 मीटर के रेंज में और एटम का रेडियस था 10^-10 मीटर की रेंज. इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोल सकते हो, इसको आप 1 फर्मी बोल सकते हो. दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियरली कंक्लूड करते हैं कि देयर मस्ट बी अ गैप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस.
So here, electron was considered as a satellite and nucleus was considered as a planet. And to this model, the name was given, planetary model. ठीक है? अब इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक, सी इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. एंड एज यू नो, यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. दो इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, direction of linear velocity keeps changing, that you already studied in chapter rotational motion. So yahan electron negative charge and is performing accelerated motion. So according to Maxwell, jinhone classical electromagnetic theory introduce kiya tha, according to that theory, if any charged particle performs accelerated motion, it set the electric field, it sets the magnetic field, and most important, it radiates the energy. So assume करो electron है, charge particle है, circular motion perform कर रहा है, accelerated motion है, so it must be radiating the energy. सोचो अगर वो energy radiate कर रहा है तो what will happen? It will follow the circular path of continuous decrease in radius and finally will merge to the nucleus. ऐसे होते जाएगा. It is following the circular path. साथ में अगर energy radiate करेगा तो circular path followed by the electron goes on decreasing. यानी it continues the spiral path and finally merge to nucleus. सोचो अगर nature में ऐसे ही हो रहा है तो what will happen with the time? In a nature, negative charge goes on decreasing and positive charge goes on increasing. But as you know, nature loves the symmetry, right? That is why, जो हम लोगों ने अभी predict किया, ये actually नहीं हो रहा है. So scientist Rutherford was unable to explain this part. Scientist Rutherford was unable to provide stability to the atom. ये पहला drawback है. मैं अभी यहाँ से पढ़ता हूँ. According to classical electromagnetic theory, a charge performing accelerated motion continuously radiates the energy. An electron is negatively charged and performs circular motion. It is an accelerated motion. So it should radiate the energy resulting in decrease in its energy. Due to this, radius of circular path of electron will go on decreasing and finally it will fall to the nucleus. अगर ऐसे हो रहा है तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, बट द फैक्ट इज एटम इज न्यूट्रल. सो रदरफोर्ड मॉडल, एटम मॉडल इज नॉट स्टेबल बट द मॉडल इज स्टेबल. तो ये पहला ड्रॉबैक. दूसरा ड्रॉबैक है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें फॉर्मूला रहेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज द लीनियर स्पीड, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, and omega is the frequency, angular frequency. So v is equal to r omega ho gaya. Socho if it is following the circular path, right? So v constant hai lekin r decrease ho raha hai. Main wapas bolta hu, formula hai v is equal to r omega. Since it is performing the accelerated motion, according to classical electromagnetic theory, it is radiating the energy. लेकिन ध्यान रहे, v कांस्टेंट है, r डिक्रीज हो रहा है. अगर r डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा मस्ट इंक्रीज. तो ये इलेक्ट्रॉन व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन विद कंटिन्यूअस डिक्रीज इन रेडियस, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस एनर्जी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, r डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा बढ़ना चाहिए. तो व्हाइल फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाएगा. सो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रेडिक्शन, जो एनर्जी इमिट हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है.
If such a radiation is passed through the prism and observed on the screen or through microscope, what one should get? All possible radiation, all possible frequencies should be obtained on the screen. मतलब स्पेक्ट्रम कौन सा मिलना चाहिए? All possible colors without the gap. यानी continuous emission spectrum. पूरा विव गोयर मिलना चाहिए. But scientists observe that all seven colors without gap were not observed. In place of that, few color lines were observed. यानी continuous spectrum नहीं मिला, तो मिलता है line spectrum. So this is how line hydrogen spectrum was not explained by the Rutherford model. ये दूसरा drawback. पहला stability provide नहीं कर पाए, दूसरा hydrogen atom spectrum explain नहीं कर पाए. तीसरा, Rutherford's model of atom does not say anything about the arrangement of electrons. मतलब electrons कैसे revolve हो रहे हैं orbit wise, एक orbit में कितने electrons है. Nothing, no information was provided by Rutherford's model of atom. तो ये तीन सीवियर ड्रॉबैक है. पहले दो ड्रॉबैक एक्सप्लेन करने के लिए भी आते हैं एक एक मार्क के लिए. तो रदरफोर्ड मॉडल के जो कुछ ड्रॉबैक्स थे, दोस ड्रॉबैक्स टू सम एक्सटेंट वेर ओवरकम बाय द साइंटिस्ट नील्स बोर. और नील्स बोर ने एक नया मॉडल पुट किया इन टर्म्स ऑफ थ्री पॉस्टुलेट्स. बट बाय द साइंटिस्ट नील्स बोर स्ट्रक्चर या मॉडल ऑफ एटम वॉज पुट बाय द हाइड्रोजन एटम. द मॉडल वॉज पुट बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ थ्री पॉस्टुलेट. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसके लिए एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू वन है. लेकिन ये मॉडल भी जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अप्लाई किया गया, दिस मॉडल ऑल्सो सफर्स सीवियर ड्रॉबैक्स. And those drawbacks were overcome by the scientist Niels Bohr himself by taking the help of his associated Sommerfeld. तो आज के डेट में जो एटम मॉडल यूज करते हैं वो बोर सॉमरफील्ड मॉडल हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कौन से पॉस्टुलेट दिए थे? पर पॉस्टुलेट टू राइट आपको एक मार्क मिलेगा. तो यहाँ मैंने वर्डिंग में भी दिया है, मैथमेटिकल में भी दिया, दोनों प्रिपेयर करने का. पहला जो पॉस्टुलेट है ये रदरफोर्ड का ही कंक्लूजन था. ये देखो, हमेशा इन हाइड्रोजन आइटम लिखा करो. मैं यहां से पढ़ता हूं. इन हाइड्रोजन आइटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. द सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी फॉर इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. ये देखो, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है. इट इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स फोर्स 1/4πε0. ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और ये हो गया चार्ज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ये टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. जेड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. लेकिन हाइड्रोजन आइटम के लिए जेड कितना लेना पड़ेगा? वन. तो ये जेड चला जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये ई स्क्वायर, राइट. हम लोग एंथ ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं तो सब जगह क्वांटिटी जो वेरिएबल है उनको सफिक्स डाल दो. देखो ये वी वी एन हो गया, आर आर एन हो गया. एन स्टैंड्स फॉर एंथ सर्कुलर ऑर्बिट. ये देखो एंथ सर्कुलर ऑर्बिट. नाउ दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन आइटम. हाइड्रोजन आइटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज वन, यानी एटॉमिक नंबर इज वन. तो जेड वन लेके हाइड्रोजन आइटम के लिए मैंने पोस्टुलेट लिखा है. दूसरा पोस्टुलेट, अभी अकॉर्डिंग टू व्हाट मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन रेडिएट्स द एनर्जी. सो दिस ड्रॉबैक वाज ओवरकम बाय द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर. तो साइंटिस्ट बोर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट अलॉट किए टू रिवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम. आई रिपीट, साइंटिस्ट बोर अलॉटेड द ऑर्बिट्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू रिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम. सो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन अलॉटेड ऑर्बिट, it does not radiate the energy.
That is why the allotted orbits in which electron revolves without radiating the energy is called as stable circular orbit. तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट अलॉट किया गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम पजेस बाय द रोटेटिंग बॉडी इन रोटेशनल मोशन. उसका फॉर्मूला आपने रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी पढ़ा है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. ये पॉस्टुलेट मैं अब भी यहाँ आपको इन डिटेल समझा नहीं सकता. वी विल कम बैक ऑन दिस पॉस्टुलेट सेम चैप्टर में, आगे थोड़ा सा अलग डिस्कशन से आ जाएंगे. फिलहाल इतना ही याद रखो कि साइंटिस्ट बोर ने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट अलॉट किए. ऑर्बिट ऑन व्हाट बेसिस आर अलॉटेड? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन अलॉटेड ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट द एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, दिस स्टेटमेंट था. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी इन दोज selected orbits, yeah, allotted orbits in which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. So scientists ne ek magic number introduce kiya, h upon 2 pi. Is magic number ka explanation was not provided by the scientists that time. Lekin jaise time pass hua, theories develop hote gaye, by the scientists de Broglie, explanation to h upon 2 pi was provided. तो जब हम लोग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, पार्टिकल ड्यूअलिटी, तब आपको ये पोस्टुलेट का मीनिंग एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा. सो जस्ट लीव इट हियर राइट नाउ. तो ये एंगुलर मोमेंट है एन सर्कुलर ऑर्बिट में, ये कितना होना चाहिए? एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल वैल्यू, एन एच अपॉन टू पाई, वेर एच इज कॉल्ड एज प्लैंक कॉन्स्टेंट. आज के डेट में एच अपॉन टू पाई को बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट. पुराने जमाने में h और 2 पाई अलग अलग लेते. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? l इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, तो i ओमेगा n h अपॉन 2 पाई. लेकिन आपको पता है अगर कोई मास रिवॉल्व हो रहा है तो रिवॉल्विंग मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एम वी आर. कैसे देखो एम वी आर, क्योंकि क्या करेंगे आप, इस i की जगह आप एम आर स्क्वायर लेंगे. रिवॉल्विंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू वी अपॉन आर, तो एक आर रिड्यूस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. ये दूसरा पोस्टुलेट. और तीसरा पोस्टुलेट क्या है? देखो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन अलॉटेड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट द एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन अलॉटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो इट डज नॉट रेडिएट द एनर्जी, देन दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू दैट इलेक्ट्रॉन एंड अ ग्राउंड स्टेट. तो इस फॉर्मूला में ये जो एन इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट ने, अगर हम लोग इस एन को वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, सो दिस एन इंडिकेट्स मेन ऑर्बिट्स के एल एम एन ओ पी क्यू. So this n is called as orbital quantum number या principal quantum number. तो जब तक इलेक्ट्रॉन अलॉटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, सो दैट ऑर्बिट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग है एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी. अभी हाइड्रोजन आइटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी रिवॉल्व हो रहा है पहले ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट जिसका क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 रहेगा इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवे ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, तो पांचवा ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट होगा. ओके, इफ दैट इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द एनर्जी बाय एनी मींस, कोई भी रीजन हो उसने एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन, देन दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप टू आउटर एनर्जी ऑर्बिट. वो आउटर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा. द ऑर्बिट इन टू विच इलेक्ट्रॉन जंप इज नॉट अलॉटेड टू दैट इलेक्ट्रॉन, वो उसे अलॉट नहीं किया गया. दैट इज वाई इन दैट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इलिजिबल टू रिवॉल्व. सो सच ऑर्बिट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन. इन दैट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन
for a time about 10 raised to minus 8 second, and it will come back to its original orbit. तो जब वो outer orbit मतलब excited state से अपने ground state में आएगा, तो transition होगा. In that transition, electron emits the energy in the form of bunch, bundle, packet, quantum या photon. और energy associated with the photon कितना होता है? आउटर एनर्जी आउटर ऑर्बिट का एनर्जी एंड इनर ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट. ये देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट टू इनर स्टेशनरी ऑर्बिट इट रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन आउटर एनर्जी एंड इनर एनर्जी ऑर्बिट. ये हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी पढ़ा है. ई इनिशियल ऑर्बिट E final orbit is h nu. या ये electromagnetic radiation है, तो nu can be replaced by ratio of speed to wavelength. Okay? तो ये तीन postulate with mathematical formula अच्छे से करने का. अभी drawbacks के थे, खाली drawbacks का आपको listing करना है. पहला drawback, Bohr's model failed to explain the atomic spectrum of atoms other than hydrogen. जैसे आप z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये बोर्स मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता. ये पहला ड्रॉप है. बोर्स मॉडल कुड नॉट गिव बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. साइंटिस्ट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सैटिस्फैक्टरी. नहीं कर पाए बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर. मतलब जब वेरी क्लोज एक ही कलर के दो दो लाइन बाद क्लोज दिखते हैं, डबलेट ट्रिपलेट, तो दैट बंच ऑफ सिंगल कलर स्पेक्ट्रल लाइंस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट. ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट. ज़ीमन इफेक्ट का मतलब है जब ये रेडिएशन आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाते हैं. तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड is called as Zeeman effect. So Zeeman effect was not explained by the scientist Bohr. Similarly, when these spectral lines are passed through the electric field, वापस splitting होता है. The splitting of spectral lines in electric field was not explained by the scientist. So Stark effect बोला जाता है. देखो severe drawbacks. Bohr's model could not explain the ability of atom to form a molecule by the chemical bond. ये कुछ additional ये मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उतना स्कोप नहीं है. दिस मॉडल डज नॉट प्रेडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. मतलब कैसे, अगर क्लोज कॉम्बिनेशन में स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सेम कलर मिलते हैं तो कलर का ब्राइटनेस या इंटेंसिटी एक डायरेक्शन में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है. मतलब एक बंच मिलता है, जैसे मैचिंग सेंटर होता है वैसे. सो दैट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय द नील्स बोर मॉडल. This model does not explain fine structure. ये alpha particle scattering के conclusions. ये आगे आपको higher studies में hyper fine structure of spectral lines है. Okay? In the next lecture, we will derive some kinematical quantities using the Bohr's three postulate. Thank you. हो सके तो ये सब साथ में देखने का मौका.